सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था, ठीक है। सो आज उसी टॉपिक को कुछ कंटिन्यू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, और आज हम ये भी देखेंगे जेई एडवांस 2020 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो केस वन पे भी एक बार क्वेश्चन आया है और केस टू पे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को हम बारी बारी करके देखेंगे, ठीक है। तो सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज should be dissolved in 180 gram of water, 180 gram of water to reduce its vapor pressure, to reduce its vapor pressure by 20%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ना मैंने आपको पी नॉट दिया है, ना मैंने आपको पीए दिया है, ना तो मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिया, ना ही मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन दिया। तो अब आपको करना क्या, तो सिंपल सा फंडा आपको इतना याद है, देखो भैया 20% से घट रहा है, कितना ग्राम ग्लूकोज डालने पर, मतलब कितना ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम वाटर में डालूं ताकि उसका 20% वेपर प्रेशर क्या हो जाए, घट जाए। तो आप जब कुछ ना दिया जाए बेटा, तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि इनिशियल आप हमेशा मान के चलो पी नॉट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और पी नॉट ए 100 हो जाएगा, और पी ए कितना हो जाएगा, 20% से घट गया मतलब 80। तो उसने पूछा वेट ऑफ द ग्लूकोज पूछा, तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी बाय एन ए, यही होगा। तो पी नॉट मेरा 100 है, 100 माइनस 80 है, डिवाइडेड बाय 80 कर दो, और डब्ल्यू बी मुझे निकालना है, ग्लूकोज का वेट कितना होता है 180 इंटू ऊपर डिवाइडेड बाय एन ए, एन ए यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय एम ए, तो एम ए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं, तो ये 180 और ये ऊपर क्या हो जाएगा, एम ए, एम ए हो जाएगा 18, 180 डिवाइडेड बाय और डब्ल्यू ए बाय एम ए, तो 18 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। और अच्छा चलो कि आप इसको ऐसे फॉर्मेट में रखो, इसको एन बी रख दो, लेट इट बी इसको एन बी रख दो, तो कितना हो जाएगा 180 बाय 10 नीचे कर देता हूँ, बेटर है इसको 10 के फॉर्मेट में रखो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, यहाँ से हो जा रहा है 20 बाय 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बी बाय 10, तो ये हो जाएगा 1/4, तो एन बी बराबर कितना हो जाएगा 10/4, तो मैं पूछूँ अगर व्हाट इज द वेट ऑफ ग्लूकोज, तो 10/4 इंटू 180, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये जो आंसर आता है, ये आता है 450 ग्राम, मतलब इतना ग्राम ग्लूकोज आप डालोगे तो वेपर प्रेशर 20% से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होना तो हमेशा इनिशियल आप क्या मान के चलो, उसको 100 मान के चलो, क्या मान के चलोगे 100, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, 20 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन in 156 gram of benzene if vapor pressure of pure benzene at that temperature is 200 mm of Hg, is 200 mm of Hg and vapor pressure
सॉल्यूशन इज 150 mm ऑफ HG, ठीक है. देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. देखो क्या बोला है, 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है. तो इसका मतलब आप यहीं से समझ जाओ कि केस वन है यहाँ पे. और क्या बोल रहा है, डिजोल्व किया गया 156 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब आपके लिए बेंजीन क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया. बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 2000 दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ 150 mm ऑफ HG. तो बोला व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस, तो सिंपल सा बात है, P0 A की वैल्यू आपकी दी हुई है 200 और PA की वैल्यू दी हुई है 150, ठीक है. तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, P0 A - PA / PA इज इक्वल टू NB / NA, ठीक है. तो 200 - 150 / 150 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, NB / NA, मतलब 20 मेरा वेट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय MB, और ऊपर कितना हो जाएगा, MA हो जाएगा, मतलब बेंजीन का कितना होता है 78 डिवाइडेड बाय 156. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 50 / 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 / MB और इंटू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 10 और 10 ये कैंसल और ये हो जाएगा 30. तो MB बराबर कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर मास 30 आ जाएगा, ठीक है. इज दैट क्लियर, तो आई होप सो ये आपका आंसर आ चुका होगा. अब मैं प्लीज़ बार बार बोलता हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन में उतारिए, एटलीस्ट आप 3 मिनट का टाइम दीजिए. अगर बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है तो 5 मिनट का आंसर, बट डायरेक्ट आप सॉल्यूशन मत उतारिए, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है. एक JEE में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा देखिए आप इसको क्वेश्चन को, ठीक है. क्या बोल रहा है, 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इट डिजॉल्व्ड इन इज 360 ग्राम ऑफ वाटर at 100 degree Celsius, ठीक है. फुल स्टॉप. इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इज 570 mm of HG, then calculate molar mass of solute. अब आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे. देखो क्या बोला, 30 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 360 ग्राम पानी में डिजोल्व किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 570 है, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो ऑब्वियस अदर फॉर्मूला तो आपका यही होगा, P0 A - PA / NB / NA. लेकिन अब एक बात गौरतलब की बात है, मैंने वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दिया यहाँ पे. आधा बच्चा यहीं कंफ्यूज होगा, सर वाटर का वेपर प्रेशर क्या लेंगे, तो याद करो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है. क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब, या बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोलते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोलेंगे, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाए तो वो मेरे लिए क्या होता है, वो टेम्परेचर मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है. इसका मतलब ये हुआ कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर है, 180 मतलब 760 mm of HG. तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था, तो जो आपको पकड़ना था. तो P0 बराबर कितना दिया हुआ, 760 दिया हुआ, -570 / 570 इज इक्वल टू वेट 30 / MB इंटू ऊपर कितना चला जाएगा, 18 चला जाएगा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है. तो आई होप सो आप यहाँ से फिर MB कैलकुलेट करके आप मुझे मैसेज करोगे, सर इस क्वेश्चन का MB आंसर ये होगा, ठीक है. तो कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे अच्छे लेवल के,
ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं इनसे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इनके ऊपर और बेहतर क्वेश्चन, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट मतलब हो जाए, आपका स्ट्रांग हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर हम अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लोवरिंग, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोवरिंग लोवरिंग कॉज्ड बाय वेपर प्रेशर लोवरिंग caused by adding 50 gram of sucrose 50 gram of sucrose जिसका मॉलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है 342। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं इस पूरे क्वेश्चन को पूरे कंप्लीटली सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ क्या करूँगा, हिंट्स दूंगा थोड़ा बहुत करके, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद करना है और आपको मुझे सेंड करना आंसर को। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज बाय एडिंग 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर इनटू 500 ग्राम ऑफ वाटर 500 ग्राम ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8 ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23.8 mmHg लिख लो, चलो mmHg। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका, What mass of non-volatile solute solute कौन सा है यूरिया needs to be dissolved in 100 gram of water 100 gram of water in order to decrease in order to decrease vapor pressure by 25% what will be molality of solution। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, द वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज इज 750 mm of Hg, vapor pressure of dilute aqueous solution glucose is 750 mm of Hg at 373 Kelvin, ठीक है, calculate, ये previous year JEE का question है बेटा, ये subjective question में है, पुराना question but subject एक बार पूछा गया जब subject 95 का या 92 का ये question है कुछ। ठीक है, calculate molality and mole fraction of solute। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है,
द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 3.42 ग्राम ऑफ शुगर 3.42 ग्राम ऑफ शुगर एंड 180 ग्राम ऑफ H2O 180 ग्राम ऑफ H2O गिवन आपको क्या दिया हुआ डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O इज 540 किलो कैलोरी पर मोल कितना दिया हुआ 540 किलो कैलोरी पर मोल ठीक है तो चलो एक एक क्वेश्चन को मैं कम्प्लीटली मैं फिर से बोला कम्प्लीटली मैं सॉल्व नहीं करूँगा लेकिन हाँ मैं आपको हिंट्स जरूर दे दूँगा ठीक है क्या पहला क्वेश्चन की बात करें ठीक है सॉल्यूशन वन क्या बोल रहा है द फाइंड द वेपर प्रेशर लोवरिंग कॉज्ड बाय एडिंग 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज इनटू 500 ग्राम ऑफ H2O इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू क्या होता है एन बी बाय एन ए यही फॉर्मूला लगेगा मेरा अब उसने क्या पूछा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा मतलब उसने इसकी वैल्यू पूछी है किसकी वैल्यू पूछी है इसकी तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके आप पी नॉट ए वाला फॉर्मूला यूज करेगा इंटू एक्स बी क्यों क्योंकि याद करो पी ए और यहाँ एन बी बाई एन हम तब यूज करते हैं जब हमको मास वगैरह निकालना रहता है बट यहाँ मास का तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये दो फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को भाई ये कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है तो सिंपल जब क्वेश्चन में वेट ऑफ द सॉल्यूट निकालना हो या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तब पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए तब वो यूज करोगे वो तब हम इसलिए यूज करते हैं बेटा एक्चुअली ये होता क्या है एक्चुअली ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पहले बोला था और जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैक्सिमम जो यूज होता है वो यूज होता है मोलर मास मतलब किसी भी बड़े बड़े सॉल्वेंट मतलब बड़े बड़े सॉल्यूट जो प्रोटीन टाइप के जो होते हैं ना सॉल्यूट वो बहुत बड़े बड़े प्रोटीन का मोलर मास का तो बहुत बड़ा होता है प्रोटीन का मोलर मास ठीक है तो उसको निकालने में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेल्प करता है ठीक है तो वैसे ही याद रखना तो यहाँ पे तो हालांकि हम प्रोटीन वगैरह नहीं ले सकते हैं तो हमें क्या करना है हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है अगर अगर आपका मोलर मास आपको निकालने बोलेगा तो आप पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए और यदि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पूछा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे इज दैट क्लियर क्योंकि मेरा उसने क्या पूछा पी नॉट ए माइनस पी ए तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज बराबर क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आपको सब पता है ये पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 23.8 इंटू ये कितना हो जाएगा 50/342 डिवाइडेड बाय 50/342 प्लस 500/18 तो दिस विल बी योर आंसर कैलकुलेट करके आप मुझे बताइएगा कितना आंसर आ रहा है ठीक है चलो सॉल्यूशन सेकंड देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है व्हाट मोलर व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया नीड टू बी डिसॉल्वड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज बाय वेपर प्रेशर बाय 25% व्हाट विल बी द मोलालिटी तो देखो यहाँ पे उसने मोलर मास नहीं पूछा लेकिन अगर क्यों मोलर मास नहीं पूछा लेकिन मास पहले उसने क्या पूछा मास पूछा बाद में उसने क्या पूछा मोलालिटी तो फॉर्मूला अभी भी आप क्या यूज करोगे पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए ठीक है अरे एक बार अगर आपको मास पता चल गया तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो तो बेसिकली आप क्या करोगे जब मैंने क्या बोला कभी भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहे तो इनिशियल आप क्या मानोगे हमेशा 100 तो 100 माइनस 25 डिवाइडेड सॉरी 100 माइनस 75 क्योंकि डिक्रीज कितने से किया 25% से डिक्रीज किया डिवाइडेड बाय 75 डब्ल्यू बी और उसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का यूरिया का मोलर मास होता है 60 इंटू वाटर का कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे मान लो x ग्राम आया तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे x भी कैलकुलेट करोगे x से कैलकुलेट करोगे और फिर आप क्या करोगे मोलालिटी का फॉर्मूला होता है xb बाय x इंटू 1000 बाय 18 तो आप इस फॉर्मूला में xb x पुट करके आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो ये मेरा सेकेंड का सॉल्यूशन हुआ
थर्ड का सॉल्यूशन क्या बोल रहा है ये आप मुझे कैलकुलेट करके आप मुझे भेजोगे व्हाट्सएप। बहुत कम बच्चे रिप्लाई करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये सब दोबारा चीज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा प्लीज़ ध्यान दीजिए, ऑनलाइन चल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल चीज़ें नेगलेक्ट करोगे। जो आपको क्लास में बोला जाएगा आप रिप्लाई करोगे, ये मुझे आंसर आप व्हाट्सएप पर करोगे, मैं एक एक का नाम नोट करूँगा, पहले बोल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एट 373 केल्विन इज 750, द कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मुझे पता है पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स पी, बराबर। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू तो पता है आपको, ये ही तो निकालना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मुझे पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। मतलब इतने, मतलब आप ये देखिए टेम्परेचर उसने 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, और अगेन 100 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760 माइनस 750 बाय 760, तो दिस इज योर व्हाट एक्स बी, और एक्स से बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और अगेन वी कैन कैलकुलेट मोलालिटी यहाँ से, फिर वही फॉर्मूले से मोलालिटी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं बिलीव मी सॉल्यूशन बहुत हार्ड टॉपिक नहीं, तो जेई में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बहुत इजी ही आया हुआ है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकालना है, पहले 40 डिग्री पे निकालना है, फिर 100 डिग्री पे निकालना है। इफ द सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 3.42 ग्राम ऑफ शुगर, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ से चालू करूँ तो NB मेरा कितना हो जाएगा 3.42 डिवाइडेड बाय 342, शुगर का मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, मतलब 0.01, ठीक है। और NA कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 18, तो दैट्स नथिंग बट 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्स बी के, तो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा 0.001 बाय 10 प्लस 0.001, ठीक है। तो 10 में से मैं 0.01 नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ, तो आपको ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 10^-3 आ जाएगा एक्स बी। तो ध्यान से समझो क्या बोला है, पहले तो मुझे 100 डिग्री पे निकालना है और फिर मुझे निकालना 40 डिग्री पे। तो पहले मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ, मैं 100 डिग्री सेल्सियस में मुझे पता है वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है, कोई दो राय की बात नहीं है। मुझे और निकालना पी नॉट पी ए निकालना है डिवाइडेड बाय, आप एक काम करो 760 कर दो, और इसको आप करोगे आप किससे, एक्स बी कितना दिया हुआ 10^-3, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे पी ए, इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा खत्म हो गया भाई, 100 डिग्री पे जो था वो मेरा आ चुका है। लेकिन 40 डिग्री पे ना ही मुझे पी नॉट ए पता है और ना ही मुझे पी ए पता है। भैया 100 डिग्री पे 760 होता है, बट 40 डिग्री पे क्या, वो हमें थोड़ी ना पता है। लेकिन एक मुझे फॉर्मूला पता है क्या, एल एन पी टू बाय पी वन, मतलब पी टू बाय पी वन, पी वन मेरा कितना 100 डिग्री पे पी नॉट, और ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या, ऑब्वियस बात है जब ये कुछ दिया हुआ डाटा तो वो क्वेश्चन में आपको यूज कराएगा कराएगा, इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो थोड़ा ध्यान से समझो, मैं बार बार ये बोलता हूँ ये जो फॉर्मूला यूज होता है वो सॉल्यूशन के लिए नहीं यूज होता है, वो फॉर्मूला ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। तो मुझे 100 डिग्री पे तो पता है भाई 100 डिग्री पे कितना होता है, 100 डिग्री पे 760 होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया 540, मतलब 540 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 2 रखो 1/370 T1 313 हो जाएगा, कितना हो जाता है ये वैल्यू 373 माइनस 313 1/T1 - T2, आई बात समझ में। तो आई होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, अच्छा इसको ऊपर रखो, आपने T1 यहाँ रखा ना, तो ये सॉरी माई मिस्टेक 760 ऊपर आएगा, 100 डिग्री ऊपर रखो और 40 डिग्री को नीचे रखो, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी नॉट 40, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लिए अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए अप्लाई नहीं होता है। क्योंकि अब ये फॉर्मूला अप्लाई कब करता है, पी नॉट यहाँ पे जो पी रहता है वो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है,
क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्यूशन का ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सॉल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं होता, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए अप्लाई होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बात समझना है कि ये जब भी फॉर्मूला कोई भी इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए अप्लाई होता है, वो सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाई कर ही नहीं सकते उन चीज़ों को। तो ये इसका एक अपना ये बोल सकते हो रूल है, आप बेसिकली आप इसको बोल सकते हो ये रूल है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट के लिए अप्लाई होगा ना कि सॉल्व। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पी नॉट 40 निकल गया, लेट इट बी पी नॉट 40 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ अल्फा, तो अल्फा माइनस पी 40 डिवाइडेड बाय पी एट 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा एक्स बी। ये तो सेम ही है, ये तो उसने चेंज ही नहीं किया भाई, एक बस उसने कंडीशन लिया, एक कंटेनर को मैंने 40 डिग्री पे मेंटेन किया, एक कंटेनर को 100 डिग्री पे मेंटेन किया, बाकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट सब कुछ सेम है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पी वेपर प्रेशर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे नज़र में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको इसमें की कॉन्सेप्ट क्या था, ये जो फॉर्मूला हम जो लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं, सॉल्यूशन के लिए कभी भी ये फॉर्मूला लगता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या होता है बेटा, केस वन ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने केस वन पे जो आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात हम करते हैं केस टू की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, केस टू की, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, केस वन हमारा यहाँ पूरे तरीके से कंप्लीट होता है, जितने भी वेरिएशन होते क्वेश्चन के मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं केस टू के लिए, जेईई एडवांस 2020 में इस साल का क्वेश्चन, मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन जेईई 2020 में न्यूमेरिकल पैटर्न पे इसी पे से आया था, 2020 में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, दो चार क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकेंड केस, वेपर प्रेशर क्या कहें, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, आई बात समझ में। तो अगेन यहाँ पे मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सॉल्यूट, सॉल्यूट अगेन मेरा क्या है, बी है, और सॉल्वेंट अगेन मेरा क्या है, ए है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके फिजिकल स्टेट की, फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो अगेन सॉल्यूट, सॉल्यूट भी मेरा क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी मेरा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो अब ये भी क्या होगा मेरा, वोलाटाइल होगा, और ये भी मेरा क्या होगा, वोलाटाइल होगा, दोनों वोलाटाइल है। मतलब पहले हमने क्या किया था, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात मैं बात करूं वेपर प्रेशर की, किसकी बात करूं मैं, वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर की बात करूं तो ई ए, इसको हम डिनोट करेंगे पी नॉट बी से, और इसको डिनोट करेंगे हम पी नॉट ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा और ये एन ए हो जाएगा। एन बी को मैं एन बी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू बी बाई एम बी लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिखूंगा, डब्ल्यू ए बाय एम ए लिखूंगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ, ये हो जाएगा एक्स बी, मतलब एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, और एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए बाय एन बी प्लस एन ए, या एन ए प्लस एन बी की बात होती है, ठीक है। चलो ये ओवर बेसिक चीज़ें थी जो इसमें हमें रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, वन होता है। देखो यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ये टॉपिक धीरे धीरे लेके जाऊँगा। मैंने बोला कि एक कंटेनर में मैंने क्या लिया, प्योर लिक्विड ए लिया, क्या लिया,
प्योर लिक्विड ए। तो अपर सरफेस में क्या होंगे, ए के ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। कुछ देर बाद मैं मान सकता हूँ इनके वेपर भी बन चुके होंगे इस केस में, ठीक है। और इनका जो वेपर एग्जर्ट होगा उसको हम पीनोट ए बोलते हैं, जो हमने पहले भी देखा था। अब क्या होगा, दूसरे कंटेनर में भी मैंने क्या लिया, प्योर लिक्विड बी लिया। क्या लिया, प्योर लिक्विड बी। तो अपर सरफेस में क्या होगा, यहाँ पे बी होगा सिर्फ। ऊपर में ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़े बहुत वेपर बन चुके होंगे और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, और इसके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पी नॉट बी। अब यहाँ पे एक कंडीशन में ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। ये केस मैं ऐसे मान के चल, हो सकता है बी भी हो, बट देखो याद रखना किसी भी दो लिक्विड का वोलेटिलिटी नेचर सेम कभी नहीं हो सकता। कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो लिक्विड सेम वोलाटाइल नेचर के होंगे। आप खुद से देखो, आप कोई भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो एक हो सकता है एक का वोलेटिलिटी नेचर ज़्यादा होगा या दूसरे का कम होगा। दोनों सेम वोलाटाइल नेचर के हो जाएंगे ना बेटा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है उनको अलग करना, क्योंकि जो अब आगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, वो इन्हीं चीज़ों पर चलता है कि अगर आपने दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो आप उनको अलग कैसे करोगे। तो अलग तभी हम कर सकते हैं जब दो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब वोलेटाइल नेचर डिफरेंट है तो ऑब्वियस है वेपर प्रेशर भी क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। किसी भी दुनिया में ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना कि दो लिक्विड के वेपर प्रेशर क्या होंगे, सेम। अगर सेम हो जाएंगे तो उनको क्या होता, अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है कि मान लो आप एक चीज़ों को गर्म कर दो, एक दो दो लिक्विड का आपने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। एक का एक ज़्यादा वोलाटाइल और एक थोड़ा कम वोलाटाइल है, तो जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा ऑब्वियस बात है उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, और जो कम वोलाटाइल है वेपर उसका भी बनेगा, लेकिन उसका कम अमाउंट में वेपर बनेगा। तो धीरे धीरे जो वेपर बनेगा उसको मैंने कंडेंस किया, जितना भी सॉल्यूशन का वेपर बना। ऑब्वियस बात, अगर ए मेरा ज़्यादा वोलाटाइल है बी से, सामान्य बात, अगर ए वोलाटाइल बी से ज़्यादा, दोनों का मैंने सॉल्यूशन लिया, ठीक है। क्या लिया मैंने सॉल्यूशन, तो वेपर जो बनेगा, पहले जो वेपर बनता था सिर्फ ए का वेपर बनता था, केस वन में क्या बन रहा था, वेपर सिर्फ ए का बन रहा था। तो हमने क्या बोला था भाई, वेपर जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो सिर्फ ए की वजह से है ना, लेकिन अब ये इसका भी तो वेपर बनेगा ना। अब हम ये नहीं बोल सकते भाई सिर्फ ए की वजह से वेपर बन रहा है, अब ए और बी दोनों के वजह से। तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए लिखते थे, लेकिन अब हम वेपर प्रेशर मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ पी होगा। क्या होगा, पी क्यों होगा, क्योंकि भाई पी इसलिए, क्योंकि भाई जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ए और बी दोनों की वजह से हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैंने आपको बोला कि भाई किसी भी दो लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हर लिक्विड का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। वेपर प्रेशर मतलब इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा ये है कि जब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, आप एक बात याद रखना कि आप अगर कोई सॉल्यूशन ले रहे हो जिसमें आपने सॉलिड एज अ सॉल्यूट मिक्स किया है तो उनको अलग करना नामुमकिन होता है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपने कोई सॉल्यूट एज अ लिक्विड लिया और उसको सॉल्वेंट लिक्विड में ही मिक्स कर रहे हो, मतलब लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन ले रहे हो, तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। और प्रैक्टिकली होता भी है कि दुनिया में किसी भी दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, हल्का सा डिफर करेगा, भले 0.1 से डिफर कर जाए, 0.2 से डिफर कर जाए, 0.01 से डिफर कर जाए, अलग जरूर होगा, ठीक है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ इस केस में कि फिलहाल ए जो है मेरा वोलाटाइल है ज़्यादा है बी से, तो ऑब्वियस बात है पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से तो मेरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मैंने इन दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो ये मेरा क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है ए और बी का। अब सरफेस पे क्या होंगे, ए के भी होंगे बी के भी होंगे, ए के भी होंगे बी के भी होंगे, ए के भी होंगे बी के भी होंगे, ए के भी होंगे। अभी मैंने आपको बोला ए वोलाटाइल है तो इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, इसका बड़ा एरो बना रहा हूँ मैं, और इस ये थोड़ा कम वोलाटाइल है तो कम उड़ने के टेंडेंसी रखेगा। मतलब ए और बी दोनों होंगे यहाँ पे वेपर स्टेट में, ए और बी दोनों के वेपर बनेंगे। उस पिछले वाले केस में क्या था, सिर्फ ए का वेपर बन रहा था। तो अब यहाँ पे मैं इसको किससे डिनोट करूँगा, इसको मैं पी से डिनोट करूँगा, क्योंकि ये दोनों की वजह से, ए की वजह से भी और बी के वजह से, तो यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो
आपको याद होगा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग बताई थी मैंने, तो क्या था भाई, दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो तो उनकी मोलरिटी जो रहती है वो एवरेज मोलरिटी रहती है। क्या रहती है? एवरेज, मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम है ठीक है उससे तो ज़्यादा रहेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे कम रहेगा। तो सेम फंडा यहाँ पे भी है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो पी नॉट बी से तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए से क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर रहेगा, जो भी वेपर प्रेशर मुझे मिलेगा वो इनके बीच की वैल्यू रहेगी, इससे बड़ी भी नहीं हो सकती ना इससे ज़्यादा हो सकती है। मतलब पी को आप बोल सकते हो पी नॉट बी से तो ज़्यादा रहेगा और पी नॉट ए से क्या रहेगा, कम रहेगा। शर्त क्या है कि मैं पी नॉट ए को मैं ज़्यादा वोलाटाइल लिक्विड मान रहा हूँ एज कम्पेयर टू बी, और जो कि होता है कभी भी दो लिक्विड का सेम वोलाटाइल नेचर नहीं होता है ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको डाल्टन स्लोप बताया था मैंने, डाल्टन स्लोप पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज एग्जर्टेड बाय द गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब जो भी पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है गैस के। तो वही यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों की वजह से बन रहा है, ए की वजह से बन रहा है बी की वजह से, ज़्यादा या कम दैट डजंट मैटर, बट दोनों की वजह से तो बन तो रहा है ठीक है। तो मुझे पता है कि पी ए क्या हो जाएगा, पी ए मेरा क्या होता है भैया, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और पी बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ इन सॉल्यूशन, पी बी क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। और मुझे पता है डेल्टा, ये एक फॉर्मूला भी होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए अकॉर्डिंग टू द रॉल्ट्स लॉ, और पी बी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी का भी वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है कि उसके इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस साल जेई एडवांस 2020 का, मतलब प्रीवियस ईयर नॉट दिस ईयर, पिछले साल का ही क्वेश्चन था इसके ऊपर, समझ में आई बात, एक बात समझ में आए। तो ये आपका केस टू का पहला फॉर्मूला बना ठीक है। मुझे पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो इसका दूसरे फॉर्मेट में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो सपोज करो एक्स ए बराबर मैंने माना वन माइनस एक्स बी, क्या माना मैंने, वन माइनस एक्स बी, तो पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी ठीक है। तो ये इसका दूसरा फॉर्मेट में आंसर है। आप इसको दूसरे पर, अगर मैंने क्या किया एक्स बी को वन माइनस एक्स ए लिखा, तो आप इसको कैसे करोगे, पी नॉट ए बी ए बी। तो अगर आप किस में कर रहे हो, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब ए बी या बी ए बी ए, इस फॉर्मेट पे चलता है ये, आई बात समझ में। तो ये एक्चुअली आपका ग्राफ कैसा दिख रहा है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। क्यों, देखो ये हमेशा क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं करती, क्योंकि किसी भी वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का कभी भी चेंज नहीं कर सकता, कीपिंग इन माइंड कि अगर हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं तब तक। तो इसका मतलब वेरिएबल सिर्फ क्या होगा, ये और ये वेरिएबल होता है, आई बात समझ में। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा भाई, क्योंकि ग्राफ तो वही पूरे सॉल्यूशन में आपको ग्राफ यही वाला मिला है, क्यों, क्योंकि हम जो भी वेपर प्रेशर का ये जो देखते हैं वेरिएशन देखते हैं वो मोल फ्रैक्शन से देखते हैं, और मोल फ्रैक्शन की लिमिट जीरो से वन के बीच में होती है, इसलिए ग्राफ भी इन्हीं के बीच में इंडिकेट किया जाता है ठीक है। तो ये हम सब चीज़ें देखेंगे ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ्स वगैरह देखते हैं ठीक है। ये मैं रब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्राफ है सपोज करो ठीक है। मैंने आपको क्या बोला,
ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या एक तरीके का एवरेज एवरेज प्रेशर ही तो बताता है ना मुझे, तो ऑब्वियस ग्राफ है, ऑब्वियस बात है ग्राफ तो इनके और इनके बीच में रहेगा, मतलब पी वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जैसे ऐसे समझो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो आपके पास दो है, एक एक्स है और एक एक्स भी है। तो अगर मैं x से मानता हूँ यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वन। तो जब x की वैल्यू वन होगी तो वेपर x की वैल्यू वन होगी, x की वैल्यू वन पुट करो तो ये क्या हो जाएगा पी नॉट, जब x की वैल्यू वन होगी मतलब प्योर लिक्विड है तो पी नॉट भी इस केस में क्या हो जाएगा जीरो, मतलब पी नॉट ए यहाँ पे जो भी इंडिकेट करेगा वो पी नॉट ए को इंडिकेट करेगा, बराबर। यहाँ पे जो भी जब x से 1 है तो x भी इस केस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और x से 0 है तो x भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई बात समझ, मतलब अगर x से इस तरफ बढ़ रहा है तो x भी किस तरफ बढ़ेगा मेरा, इस तरफ बढ़ेगा। ये ग्राफ मैं फिर से समझा रहा हूँ, थोड़े ध्यान से समझना, मुझे वेरिएशन देखना है वेपर प्रेशर का वर्सेस मोल फ्रैक्शन ए और बी दोनों के साथ, ठीक है। तो मैंने ऐसा देखा कि x से इस तरफ बढ़ रहा है तो x भी इस तरफ बढ़ेगा, अगर x से 0 है तो x भी 1 होगा, और x से 1 है तो x भी 0, क्योंकि ओवरऑल इनका सम हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दूसरी बात, जब x से 1 है, x ए 1 है और x भी क्या हो जाएगा 0, तो मतलब p बराबर क्या हो जाएगा p नॉट a, मतलब p नॉट a कुछ यहाँ क्लिक करेगा, और x भी 1 है और x 0 तो p बराबर क्या हो जाएगा p नॉट b। तो अब आप सोचोगे मैंने ये इतना ऊपर लिखा और ये इतना नीचे क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला a इज मोर वोलाटाइल देन b, तो इसका ऑब्वियस होता है p नॉट a का वैल्यू एनी केस वाई एक्सेस में इसका वैल्यू ऊपर ही रहेगा एनी हाउ। आई बात समझ, इसका वैल्यू वोलाटाइल ज्यादा तो ऑब्वियस बात है ये ऊपर ही कट करेगा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो ग्राफ रहेगा ये ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता है, कैसा रहता है ये, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ मेरे से, ऐसा, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, वो ग्राफ इंडिकेट क्या कर रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी को इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो भी वेपर प्रेशर रहेगा वो पी नॉट बी और पी नॉट ए के रहेगा। और कल आपको याद होगा मैंने इनका भी ग्राफ बताया था, इनका इन दोनों का जो मैंने ग्राफ बताया था बताया था वो कुछ इस तरीके से इंडिकेट करेगा। ये लाइन किसको डिनोट कर रहा है, पी बराबर पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को इंडिकेट कर रहा है, और ये लाइन किसको इंडिकेट करेगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी पी बी को इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा पी बी को। तो वो एक लाइन, और इन दोनों का एवरेज क्या होता है, ये डॉटेड लाइन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डार्क लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप सो ये आपको चीज़ें क्या हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, आई होप सो। तो ये बातें आप याद रखिए कि ए और बी में से कौन बोला, अगर आप बोलोगे सर मैं बी वोलेटाइल तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, बस फर्क इतना ही आता है, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज योर ओवरऑल रॉल्स लॉ जो केस वन हमने पढ़ा, अब इनके ऊपर हम बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल देखेंगे कि इनमें न्यूमेरिकल किस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, जिसका दो मोल ए का लिया मैंने, जिसका पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 200 है, कितना है 200, और एक मैंने लिया ए को मिक्स किया मैंने दो मोल, और बी को मिक्स किया मैंने तीन मोल, जिसका पी नॉट बी कितना दिया हुआ आपको, पी नॉट बी दिया हुआ है 500, क्या दिया हुआ 500, पूछ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, बराबर। तो कुछ नहीं, एक्स ए कितना हो जाएगा भाई 2/5, और एक्स बी कितना हो जाएगा 3/5, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 200 इंटू 2/5 प्लस 300 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40, 60, तो 80 प्लस 180, मतलब 260 mmHg, ये mmHg में ही, वेपर प्रेशर कितने में दिया हुआ, mmHg में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब गौरतलब की बात क्या थी, आपको मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखो फॉर्मूला वाइज ठीक है आप कर ले रहे हो, अच्छी बात है, बट चीज़ों को समझने की भी कोशिश करो।
अगर ये क्वेश्चन आपको, अगर आपको जेई, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपको जेई मेंस वगैरह में पूछा जा सकता है, एडवांस में तो कभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि मान लो 2 मोल आपने पीनोटे लिया, 3 मोल इतना लिया, तो ऑब्वियस बात है जो भी वेपर प्रेशर होगा इनके एवरेज होगा, इनके बीच की वैल्यू होगी वो। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अब आप देखो वेपर प्रेशर, अगर दोनों देखो 2 और 3, अगर 2 और 2 लेता था मैं, सपोज करो दोनों का मोल्स मैंने एवरेज ली, दोनों का मोल्स मैंने सेम लिया आता था, तो 200 और 300 का एवरेज कितना होता है? एग्जैक्टली 750 होता है, ठीक है। अगर आप नंबर लाइन सिस्टम से जाओगे तो 200 और 500 का एवरेज 350 होता है। कितना होता है? 350। इसका मतलब ये था कि जिसके मोल्स ज़्यादा, एक मिनट थोड़ा, डाटा तो गलत नहीं लिखा ना मैंने, ये कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? शिट, देखो यहाँ गलती हो गई ना मेरे से, सॉरी माय मिस्टेक, मैं 300 मान के चल रहा था। ओके 300 भी मान के चल सकते, 500 ही मान के चलते, 500 × 3/, तब ये 100 हो जाएगा, ये 80 + 300, 380 mm ऑफ एच जी, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने डाटा नहीं दिखा, मैं 300 मान के कर रहा था। तो अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो 200 और 500 का एवरेज कितना होता है? 350। तो इसका मतलब ये है कि अब जो वेपर प्रेशर होगा वो 350 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज दोनों का मोल्स तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर उसके वजह से उसके क्लोजर ज़्यादा रहेगा जिसका मोल्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे मोल्स किसका ज़्यादा है? 3B वाले का मोल्स ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है वैल्यू 350 और 500 के बीच में रहेगी। अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट टिक मारिए, ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मान लो सपोज करो इसी में दिया मैंने कि कैलकुलेट एक्स से व्हेन, कैलकुलेट एक्स से व्हेन प्रेशर दिया हुआ 420 mm ऑफ HG, ठीक है, आपको मैंने दिया। मैंने अब इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, कैलकुलेट एक्स से, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पी नॉट ए दिया हुआ है 200 और पी नॉट बी दिया हुआ मैंने 500, ठीक है। और आपको मैं पूछ रहा हूँ ये, तो भैया दो तरीका, या तो आप इसी फॉर्मूले पे क्या करोगे, 420 बराबर कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते, आ जाए दिस फॉर्मूला आ इधर दिस फॉर्मूला, तो मैं मान के चलो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, तो 500 + P0A - P0B, P0A - P0B मतलब ये कितना हो जाएगा, -300 × XA। तो आप यहाँ से जब आप XA कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, तो आपको 4/15 अप्रोक्सीमेटली आंसर निकलेगा, कितना निकलेगा, 4/15। या तो आप इस तरीके से चले जाओ, या तो बेस्ट टेक्निक ये है, क्योंकि मुझे पता है ये जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो एवरेज वेपर प्रेशर होता है। तो आपको याद है एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, तो ये क्या होगा, एवरेज -B/A - B, याद है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्या बता रहा है, ये एक्चुअली मोल परसेंटेज ही तो बता रहा है, मोल परसेंट ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन क्या है, अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो मोल परसेंट, और किसी भी को परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है एवरेज जिसका निकालना है उसको अपोजिट वाले से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, याद है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको गैस स्टेट में भी करवाए थे ये वाले क्वेश्चन। तो एवरेज आपका कितना है, 420 दिया हुआ है, 420 - 500 और डिवाइडेड दोनों का डिफरेंस कितना है, 300 का डिफरेंस है, तो ये क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मोल परसेंट नहीं चाहिए, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना और पी एवरेज दिया हुआ, पी नॉट ए पी नॉट भी दिया हुआ, तो डायरेक्ट आप जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके अपोजिट वाले के वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट करो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को सब्ट्रैक्ट करना अपोजिट वाले से, जिसका निकाल आपको एक का निकालना तो 20 से सब्ट्रैक्ट करो दोनों के, और डिवाइड करो दोनों के डिफरेंस का वेपर प्रेशर से, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत बार गैस स्टेट में किया हुआ भी है, ठीक है, ठीक है। अरे एक क्वेश्चन करते हैं, एक और वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ 2 volatile
टाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज 300 एंड 500 mm of Hg respectively, ठीक है, मोलर मास ऑफ ए एंड बी, मोलर मास ऑफ ए एंड बी, मोलर मास ऑफ ए एंड बी इज 50 and 200 कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग पहला है इक्वल मास ऑफ ए एंड बी और सेकंड है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो ठीक है, हमें क्या दिया, वेपर प्रेशर दो वोलेटाइल कंपोनेंट का दिया हुआ, दोनों का मोलर मास दिया। उसने क्या पूछा, भैया अब ये बताओ कि आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना, अगर ए और बी का मैंने इक्वल मास लिया तब क्या वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, या ए इक्वल मोल्स लिया तब क्या होगा। तो सिंपल से बात है, अगर मैं एन ए की बात करूँ, लेट डब्ल्यू मैंने वेट माना, डब्ल्यू बाई 50 मानूंगा, और एन बी को बोलूंगा मैं कितना, डब्ल्यू बाई 200। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि लेट इट इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 4W बाय 200 हो जाएगा। तो अगर मैं एन एक्स बी की बात करूँ, एक्स ए की बात करूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4W बाय 200 डिवाइडेड बाय 4W बाय 200 प्लस W बाय 200। तो W बाय 200 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 4/5, तो दैट इज़ नथिंग बट 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए कर दिया बेटा ऐसा, ताकि मेरा एक्स ए और एक्स बी आसानी से आ जाए, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि दोनों को मैंने लास्ट डिनोमिनेटर क्या रखा, सेम रखा। क्यों, क्योंकि देखो ये मल्टीपल के रेंज में ही है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो, या तो जनरली आप ऐसे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दैट चॉइस इज योर। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा 300 इंटू ए का 300 है, अरेक्ट 4/5 हो जाएगा, प्लस 500 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 340 mm of Hg। अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना था और आपको डायरेक्ट ऑप्शन देके टिक मारना था, तो ऐसा समझो, अगर 400 और 500 और 300 का एवरेज कितना होगा, 400। ठीक है, एवरेज करने के लिए दोनों का मोल्स इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे मोल्स इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है, देख लो मोल्स तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे है कि भाई जिसका मोलर मास कम, क्योंकि W बाई 50 और W बाई 200, तो ऑब्वियस से बात है W बाई 50 का मोल्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका मोलर मास कम उसका मोल्स ज़्यादा, जिसका मोल ज़्यादा उसका वेपर, उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा उसके प्योर वाले के क्लोज में होगा। मतलब जैसे मान लो, यहाँ पे फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँ, 300 और 500, ये A का है और ये B का है, और एवरेज मेरा 400 है, तो इसका मोल्स ज़्यादा होगा तो एवरेज भी इसके क्लोज़र ही रहेगा। तो आप खुद से भी चेक कर सकते हो, 340 अप्रॉक्सीमेट 300 के क्लोज में ही है। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी, इक्वल मोल्स के लिए एन ए भी कितना हो जाएगा, 1/2, और एन बी भी कितना हो जाएगा, 1/2, दोनों का 1/2 एक ही है, तो 1/2 कर दो, 1 और 1 मान लो, दोनों के इक्वल है, तो 1 और 1, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, और x भी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, p बराबर कितना हो जाएगा, 400 mm of
इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आई बात, तो ये मेरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे लेवल का। ठीक है, इसमें हम वैरायटी देखेंगे बहुत सारी कि भाई किस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलाटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी इज गिवन बाय पी बराबर कितना होगा 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी 5.3 माइनस 2.3 एक्स बी और एक्स बी आपका क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दिया है और आपको कुछ नहीं दिया, बस आपको बोला जा रहा है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी बताओ। ठीक है, एक मिनट सॉरी, तो आपको बस ये चेक करके बताना है कि अब मुझे इक्वेशन क्या दिया, पी बराबर दिया 5.3 माइनस 2.3 इंटू एक्स बी। अगर मैं फॉर्मूले से इंडिकेट करूं एक्स बी इधर आना चाहिए तो मतलब बी ए नहीं सर ए बी वाला फॉर्मूला लगेगा मेरा। ठीक है, तो मतलब पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी ए बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी ए बी ये बी लास्ट मारा तो ए बी वाला फॉर्मेट में चलोगे आप। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों के इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो पी नॉट ए बराबर कितना आ रहा है 5.3 आ रहा है। ठीक है, और इनका पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए से कंपैरिजन करो तो 2.3 नहीं होगा बेटा, माइनस 2.3 है, कितना है माइनस 2.3। पी नॉट ए की वैल्यू पता है तो पी नॉट बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 5.3 इज इक्वल टू 2.3, तो उधर ऐड हो जाएगा है ना माइनस 2.3, तो पी नॉट बी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई बात समझ सबको? ठीक है, ये एक तरीका था। अब इसको दूसरा तरीका हम क्या कर सकते, देखो दूसरा तरीका एक अच्छा टेक्निक बताता हूँ मैं। सपोज करो अगर एक्स बी मेरा जीरो है तो पी बराबर किसके होगा, पी नॉट ए के बराबर। बराबर अगर वेपर प्रेशर प्योर है, मतलब मान लो एक्स बी अगर आपने जीरो माना तो एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब वेपर प्रेशर किसके वजह से होगा सिर्फ और सिर्फ ए के वजह से होगा, तो एक्स बी जीरो है तो पी बराबर पी नॉट ए मतलब 5.3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक्स बी की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 1 है तो पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बी की वैल्यू मतलब जो भी वेपर प्रेशर होगा बी की वजह से होगा, तो 5.3 माइनस 2.3 दैट इज नथिंग बट 3। तो दो लाइन में आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका होता है बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आई होप सो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जेई में। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हम जेई कब करेंगे जो जेई में पूछे गए अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन क्या है लिख देता हूँ मैं थोड़ा। ठीक है, 1982 में पूछा गया जेई में। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है 1982 का। ठीक है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। एक मिनट, थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम की कमी की वजह से मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं आपको डिक्टेट जरूर कर देता हूँ। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन जेई का एडवांस क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस 1980s का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन फुल स्टॉप एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग
एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए, ठीक है, एंड 3 मोल ऑफ बी. मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसने क्या किया, ए का तो ऐड किया 1 मोल और बी का ऐड किया उसने 3 मोल, ठीक है. और उसने क्या बोला है, एंड एट 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी इज 550 एम एम एफ एच जी. जब आपने ये रेशियो दिया तो पी आपको कितना मिल रहा है, 550 एम एम एच जी मिल रहा है, ठीक है. और क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ फर्दर 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, मतलब 1 मोल ऑफ बी, 1 मोल बी इज मोर एडेड, मान लो एक मोल बी और ऐड किया गया टू दिस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज बाय 10 एम एम ऑफ एच जी. द वेपर प्रेशर इज इंक्रीज बाय 10 एम एम ऑफ एच जी, मतलब अब जो प्रेशर हो गया वो 560 हो गया. बस अब यहाँ पे 560 हो गया, ठीक है, ठीक है. अब क्या बोला, डिटरमाइन द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, मतलब पी नॉट ए की वैल्यू और पी नॉट बी की वैल्यू बतानी, बहुत आसान है, ठीक है. जब 560 हो गया तो ए का तो अभी भी वैल्यू मोल्स कितने रहे, 1 रहे, लेकिन बी के वैल्यू, बी के मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए. तो समझो बात को, ठीक है. इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. देखो 550 दिया हुआ है, ठीक है, पी नॉट ए मुझे नहीं पता तो लीव दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पी नॉट ए नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. तो पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस पी नॉट बी कितना हो जाएगा, इंटू 3/4, ठीक है. इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये एग्जैक्टली जो बनता है, ये इक्वेशन बनता है 220/100 इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी. ये पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है. दूसरा इक्वेशन क्या है, बाई वेपर प्रेशर 560 हो रहा है, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन अब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी इंटू 4/5. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2800 पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी. ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. थोड़ा बात समझना ध्यान से, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पी नॉट ए आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ये निकालिएगा. ये मैं आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सॉल्व करके आप मुझे, आपको क्या बताना है, आपको मुझे बताना है पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू क्या है. बट व्हाट आई मीन टू से दैट, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्वियस बात तो ऑप्शन दिए जाते, मान लो 300, 400 या 500, 600. मतलब आप ऐसा सोच सकते हो ना कि जो भी वैल्यू होगी वो, अब ऐसे आप एक बात तो ऐसा समझ लो, देखो दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन में सीखने को क्या मिलेगा. अगर आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, मान लो वैल्यू कुछ इस तरीके से दी हुई है, 300, 500, पहला ऑप्शन है ये ए, बी ऑप्शन मान लो दे दिया मैंने आपको 200, 300, या तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने 800, 1200, या ऑप्शन डी मैंने दे दिया 400, 600, 400, 300, 700 या 250, ठीक है. अगर आपको इस टाइप के ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट एक टिक मार सकते हो. क्या, देखो समझने की क्या बात थी, अगर जैसे ही आपने बी को ऐड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, 10 mm से बढ़ चुका है. इसका मतलब ये तो बात 100% श्योर है कि पी नॉट बी तो जो होगा वो ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए से. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि भाई पी नॉट बी 300 है और ये 200, तो डायरेक्ट टिक मारो. सॉल्व नहीं करने का मतलब, एक टाइम बचाने का उपाय बता रहा हूँ मैं, कि आप देखो कॉन्सेप्ट सीखो न्यूमेरिकल से, क्योंकि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है. तो पी नॉट बी मेरा पी नॉट ए से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ आप डायरेक्ट टिक मार सकते हो. दूसरा क्या है, आप नहीं तो नहीं, अगर मान लो बहुत वैल्यू क्लोजेस है, मतलब ये तरीका काम नहीं कर रहा, बहुत वैल्यू क्लोज दिया हुआ है, तो आप दोनों वैल्यू पुट करके इसमें देख लो 550 के बराबर कौन सा रहा, तो भी आप आंसर, मतलब इतना टाइम बचाने से अच्छा आप ऑप्शन पुट करके देख लो, आपको आंसर आ जाएगा. तो ये जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है. एक और क्वेश्चन हम करते हैं, दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर इसके बाद हम सेशन को करते हैं खत्म आज का, ठीक है, ठीक है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, अच्छे लेवल के, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड है, एन एक्वस
सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए जिसका मोलर मास दिया हुआ है 128 ग्राम। मोलर मास कितना दिया? 128 ग्राम। 64% बाय वेट, 64% बाय वेट हैज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर 145 mm of Hg। If वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 155 mm of Hg, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए एट सेम टेम्परेचर। एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड ए मोलर मास 164% बाय वेट हैज वेपर प्रेशर 145 दिस एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी आपको दिया हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ ए एट द सेम टेम्परेचर उसने बोला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सोचो, आपको कुछ करना नहीं है बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से समझो बात को, अगर मैं बात करूं 64% बाय वेट लिक्विड ए है तो इसका मतलब 64 ग्राम होगा ए और बाकी कितना होगा 36 ग्राम क्या होगा वाटर होगा। तो अगर मैं बात करूं एन इसके मोल्स ऑफ वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 36 बाय 18, तो दैट्स नथिंग बट 2, और ये कितना हो जाएगा Na कितना हो जाएगा 64 बाय 128, तो दैट्स नथिंग बट 0.5। तो XA की बात करूँ तो 0.5 बाय 2.5, तो दैट्स नथिंग बट 1 बाय 5, तो X ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4 बाय 5, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 145 दिया हुआ है, इज इक्वल टू पी नॉट ए आपको निकालना है इंटू 1 बाय 5 प्लस पी नॉट आपको वाटर का कितना दिया 155 इंटू 4 बाय 5। तो आई होप सो यहाँ से आप पी नॉट इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अब जो लास्ट क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2020 में पूछा गया है वो आज हम करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा लिख देता हूँ मैं, लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म टू फॉर्म्स, ये जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कंपोजिशन, फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, टू सच सॉल्यूशन, टू सच सॉल्यूशन विथ 0.25 एंड 0.5 मोल्स ऑफ ए, 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हैव टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार। देखो न्यूमेरिकल पैटर्न टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तरीका मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी को मिक्स किया गया, दो आइडियल सॉल्यूशन लिया गया, लेकिन यहाँ पे उसने दो सॉल्यूशन बनाया, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें ए का एक्स ए की वैल्यू दी है 0.25, तो एक्स बी की वैल्यू ऑब्वियस से बात है 0.75 हो जाएगी,
मतलब उसने क्या बोला, ए और बी, वो कहने का मतलब क्या है कि ए और बी को मिक्स करने पर आइडियल सॉल्यूशन बनता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने ऐसा दो सॉल्यूशन बनाया जिसमें एक में ए का मोल फ्रैक्शन है ए का 0.25 और एक्स बी का मोल फ्रैक्शन हो गया फिर ऑटोमेटिकली 0.75। दूसरे सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन वन हुआ और ये सॉल्यूशन टू हुआ। सॉल्यूशन टू में उन्होंने क्या दिया हुआ, एक्स बी की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू 0.5 है तो ऑब्वियस बात है एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। जिसमें पहले वाले जिस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है उसका टोटल वेपर प्रेशर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.3 बार, और जिसमें एक्स ए की वैल्यू 0.5 उसमें 0.4 आ रहा है। तो उसने एक्स भी पूछा, आसान सा क्वेश्चन है, तो मुझे पता है जीरो पी बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी पी बराबर हो जाएगा 0.3, पी नॉट ए मुझे कितना दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या पी नॉट ए के बारे में, पी नॉट ए के बारे में एक मिनट, क्वेश्चन शायद पूरा लिखा है क्या मैंने, एक मिनट जस्ट क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूँ मैं। पी नॉट ए की वैल्यू हाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी नॉट ए मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से पी नॉट ए ही मानता हूँ जिसमें मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, ठीक है प्लस, और पी नॉट बी मानो इनटू ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। और जब वेपर प्रेशर टोटल मेरा 0.4 है तो इसमें पी नॉट ए एज इट इज पी नॉट ए रहेगा इनटू ये कितना हो रहा है 1/2 प्लस पी नॉट बी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो यहाँ से आपको क्या पी नॉट बी नहीं आ जाएगा, है आसान क्वेश्चन, जेई एडवांस न्यूमेरिकल पैटर्न टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है जेई एडवांस 2020 का, जो मैंने आपको पहले बोला था रॉल्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने पार्ट वन और टू रॉल्स लॉ पूरा ख़त्म कर दिया, कल हम जो करने जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर भी एडवांस में दो तीन बार क्वेश्चन आए हुए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे हम। और आई होप सब आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल इजीली आप निकाल सकते हो, और कल का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा और अच्छा लेवल का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बाकी की चीज़ें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।